खबरीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र से है, जहां बस स्टैंड में बीती रात्रि करीबन 11 बजे छोटे लाल गुप्ता उर्फ पोक्का पिता राम सजीवन गुप्ता के साथ बस स्टैंड में 5-6 लोगों की संख्या में आरोपियों ने लाठी और धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर दिया। सूचना पर हैंडेड डायल पुलिस पहुंची और पुलिस ने कुछ लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी आज सुबह उपचार दौरान मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सब को लेकर पुलिस थाना पहुंचे और थाना के सामने जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे एसडीओपी नवीन दुबे की लोगों को दी गई समझाइश के बाद सड़क से जाम खुल सका। इस दौरान मऊगंज अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है कि घटना के कई घंटों बाद भी घायल की मलहम पट्टी नहीं हुई थी और अत्यधिक रक्त बहने से घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष मऊगंज मकसूद खान व अन्य लोगों का कहना है कि मृतक घंटों तक होशो हवास में रहा और सही समय पर उसे प्राथमिक उपचार बाद रीवा पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। मृतक ने अस्पताल में मृत्यु पूर्व बताया कि विक्कू गुप्ता और प्रिंस गुप्ता सहित 4-5 की संख्या में अन्य आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घटना को लेकर एसडीओपी नवीन दुबे का कहना है कि वैसे हत्या में कितने लोग शामिल रहे और क्योंकि यह पता लगाया जा रहा है। बताओ क्यों मारे इसको? विक्कू और ओके साथ में वो साथी थे अपन। कई थे? 3-4 थे। कोई क्या? हाँ बस अत्ते रहे। हाँ तो सुबह का रूम लग बैठा रहा। हाँ विक्कू पर हम तब चोर और वो टाली पर हमारा रहा। टाली पर से और कुछ रहे हमारे काट लड़का। हाँ उनका नहीं पहचानी हम। मालूम कहा क्या आती? हाँ वही विक्कू वाले दुश्मनी में। हाँ कोई क्या गोले गोले मारेंगे मुड़े में? गोले मुड़े पहले मुड़े मारी सी पाइप। हाँ रही मोड़ तो पाइप रहा फिर गोले मारी सी ऐसा ना। हाँ अरे तो पानी पिया तो घोट हो गया। ठीक जा ठीक भाई। ये लगभग रात 11 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली कि मतलब पुक्का को किसी ने मार के फेंक दिया है, तो 100 नंबर के माध्यम से मैंने 100 नंबर भेजा। 100 नंबर भेजने के बाद उसको उसमें दो लड़के वहीं के थे बस स्टैंड के, उनके माध्यम से उनको हॉस्पिटल पहुंचवा दिया और पहुंचवाने के बाद वहां हॉस्पिटल में भी कोई उपचार प्राथमिक हुआ नहीं वहां। और वो जो 100 नंबर की गलती किया कि वो जब कोई उसका परिजन वहां नहीं था, यदि 100 नंबर वहां रुक जाता, रुकने के बाद उसका प्राथमिक उपचार करा के घंटे आधे घंटे के लिए, लेकिन वहाँ 100 नंबर भी अपने आप फॉर्मेलिटी करके वहाँ से उसको सीधा सीधा फेंक के चली आई वहाँ। और इसके बाद वहाँ जो प्राथमिक उपचार होना चाहिए, जो मऊगंज का एक सिविल अस्पताल माना जाता है, जहाँ मतलब उसका कोई भी एक तरह से उपचार नहीं है, बॉडी यहाँ रखी हुई है, उसके उस बॉडी को आपको देख लगेगा कि यहाँ कितने दिन का उपचार रात में हुआ होगा। कोई ड्रेसिंग पता चलती है कि ड्रेसिंग भी नहीं हुई, खून ज़्यादा बहने से उसकी मौत हो गई? अब प्राथमिक उपचार यही है कि मतलब ड्रेसिंग हो जाए, हम कहते हैं ठीक है, जो मामला अगर ज़्यादा गंभीर है तो रीवा के लिए है, लेकिन जो प्राथमिक उपचार है ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग तो कम से कम ऐसा हो जाता कि ब्लडिंग रुक जाती, उसकी ब्लडिंग तो रोका जा सकता था यहाँ। जी आप किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो अभी फिलहाल अभी वो उसके बयान पर बयान वो दिया था मरने, वो तो सुबह मरा है, रात में बहुत सारे उसने मतलब सबको बताया, अपने मुँह से बताया है, डॉक्टर के सामने बोल रहा था, शायद यहाँ के जो प्रसा मतलब स्टाफ भी गया था लगता है, वो उनको भी मतलब बोला, वो अपने से बोला है। मतलब जो मुझे लगा तो मतलब मैंने 100 नंबर को मैं गलती मानता हूँ कि 100 नंबर अगर तुम लेके गए तो वहाँ तो फेंक के नहीं आना चाहिए, और अगर हॉस्पिटल में तुम चले गए हो अगर उसका कोई परिजन नहीं है तो उसको कम से कम प्राथमिक उपचार वहाँ होना चाहिए था। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए,
समदड़िया।